नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। रेत के अवैध उत्खनन पर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई। नरवर और अमोलपटा पुलिस चौकी की सीमा में हो रहा था पिछले लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन। अमोलपटा और अमोला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक LLT, दो डंपर एवं दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और इससे पहले विपक्ष में रही कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी को मध्य प्रदेश भर में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर समय समय पर घेरती रही है और अब कांग्रेस स्वयं सत्ता में है और मध्य प्रदेश में इन दिनों धड़ल्ली से कई जिलों और स्थानों पर अवैध उत्खनन हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कई स्थानों पर अवैध उत्खनन हो रहा है जिसमें शिवपुरी के कुछ रसूखदार लोग और कुछ नेताओं के हाथ भी अवैध उत्खनन में रचे हुए हैं। अवैध उत्खनन पर शिवपुरी पुलिस की एक छोटी कार्रवाई ही अभी देखने को मिली है। इस कार्रवाई में अमोलपटा और अमोला थाना पुलिस ने मिलकर SP राजेश ही करड़ के निर्देश पर और मुखिया की सूचना पर एक कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि शिवपुरी के और कितने स्थानों पर अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई होती है। साथ ही देखना होगा कि शिवपुरी के साथ साथ मध्य प्रदेश के और कौन कौन से जिलों में कार्रवाई होती है। समाचार जेट के लिए शिवपुरी से विनोद विकट के साथ लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो कार्रवाई हुई है अवैध उत्खनन को लेकर, इसमें क्या हुआ सर? रात्रि में जरिए मुखबिर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सूचना प्राप्त हुई कि नरवर और अमोलपटा चौकी के सीमा पर अवैध उत्खनन हो रहा है, तो उसके लिए अमोलपटा और अमोला थाने से मैं बल के रवाना हुआ और सुबह तड़के घेराबंदी की गई, तो इसमें एक LNT, दो डंपर, दो ट्रैक्टर अवैध उत्खनन करते हुए पाए गए। ये डंपर LNT किसकी हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जानकारी करके संबंधित खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।